पुस्तकें हैं निकाल लीजिए, एक पुस्तक हमको भी दीजिए। मानस के पंचम सोपान सुंदरकांड में प्रवेश करते हैं, थोड़ा स्मरण मानस पर करके इसके बाद सुंदरकांड में प्रवेश करते हैं। मनमला नाम चा करतारो बंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो बंदे सच्चा विश्वास रूपणो व्याभ्याम बिना नापसंत सिद्धा स्वामता स्नीतरम वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणो यमासितो हि वक्रो यपचंदा सर्वत्र वंदते सीताराम गुणगान पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कपीश्वर कपीश्वरो उद्बोध्य सिंहारकारिणीं केशारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नत्वां राम बलवां यन्मायावशवर्ज विश्वं कुलं ब्रह्मादि देवासुरा नानापुराण निगमागम सांपदम यद् नारायणे निगमितं कञ्चिदन्नतोऽयम् स्वान्ता सुखाय त्रिशीत गुणाथ गाथा भासानि मन्मतिं मन्मधुरो। हेलो राघवेन्द्र सरकार की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। और सुंदरकांड की शुरुआत हमारे तिवारी जी करेंगे और उनके मुखारविंद से सुंदर सुंदर भजनों के साथ सुंदरकांड की शुरुआत होगी। बोले सुंदरे किम न सुंदरम, संसार हो जो सुंदर है, ये सारा संसार सुंदर है, मगर सुंदरकांड की पुस्तक में लिखा है सुंदरे किम न सुंदरम। ये उस मां भगवती की सुंदरता का एक छोटा सा अंश, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, जैसे वो विशाल सागर की एक बूंद हम है, वैसे ही उस विशाल सुंदरता का एक स्वरूप ये सारा संसार है। वैसे तो रामचरितमानस हम लोग राम जी के चरणों से जुड़ते हैं, हनुमान जी के चरणों से जुड़ते हैं, लेकिन और अगर गूढ़ता में जाएंगे तो रामचरितमानस शक्ति परक ग्रंथ है, क्योंकि रामचरितमानस में लिखा है कि उद्भव स्थित संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्वश्रेयस करीम सीता न तो हम राम बल्लभा। संसार के जितने ग्रंथ हैं यहां तक भेद भी वो कहता है कि ब्रह्म ही सर्वोपरि है, लेकिन रामचरितमानस कहता है उद्भव स्थित संहार कारिणी क्लेश हारिणी कि जिनके हाथों में जन्म मृत्यु
इस भाव सागर में प्रस्तुति करें। चरित मानस का मूल माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा, जास वंश भुज गुण खानी अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्मानी, ऐसे माँ भगवती के चरणों में हम सभी भक्त विराजमान हैं। और जहाँ भगवती विराजमान है वहीं हनुमान जी विराजमान होते हैं। जय हो। भगवान की कृपा से नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत हमें तो ये लगता है कि ये मैं भी नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं ही वो अहंकार है, है। लेकिन फिर भी गोस्वामी जी की जो राइटिंग है भाव से प्रभु पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन बजाओ राम सरकार बलि बांधत प्रभु बाढ़े सूतन बरन जाए नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतना करते हुए ये उस समय का वर्णन है जिस समय श्यामनंद जी मुख्य आदेश दे रहे हैं और सब श्यामनंद जी की ओर देख रहे हैं क्योंकि वो बुजुर्ग हैं। हमारे जीवन का सार है बुजुर्गों की ओर देखना, है ना। सभी लक्ष्य पा सकते हैं, हनुमान जी ने लक्ष्य पाया श्यामनंद जी की ओर देख ली। सबने कहा मैं सागर पार चला जाऊंगा लेकिन कोई कहता 20 किलोमीटर, कोई कहता 40 किलोमीटर, कोई कहता 50 किलोमीटर। अंगद ने कहा मैं जा तो सकता हूँ, आ नहीं सकता। अंगद कहीं जाऊं मैं Oh, God.